फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी बेहतर होंगे। तो आज के एनन के वीडियो में हम सब आपका स्वागत करते हैं। और आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि केएनएन कैसे काम करता है, केएनएन का एप्लीकेशन क्या है, उसका वर्किंग, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू सी द मॉडल, वी आर गोइंग टू मेक द मॉडल ऑफ केएनएन, एंड और एक लास्ट में एक प्रोजेक्ट करेंगे जिससे कि कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए कि कैनन काम कैसे करता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कैनन के बारे में जान लेते हैं कि कैनन है क्या, किस तरह का एल्गोरिदम है कैनन। तो सबसे पहले अगर देखें तो कैनन का फुल फॉर्म देख लेते हैं। कैनन का फुल फॉर्म है के नियरेस्ट नेबर, एंड ये एक सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम है। सुपरवाइज्ड का मतलब क्या है कि सुपरवाइज्ड का मतलब ये है कि हमारे पास फीचर एक्स और वाई लेबल दोनों दिया हुआ है, यानी हमारे पास रिज़ल्ट कुछ डेटा सेट का रिज़ल्ट पहले से पता है। डेटा सेट का रिज़ल्ट हमारे पास पहले से पता है, तो इसका मतलब हो गया सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम है। इसका यूज्ड रिग्रेशन के लिए भी किया जा सकता है, लेकिन मोस्टली यूज जो होता है वो होता है क्लासिफिकेशन के लिए। और केएनएन चेक करता है बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटी कि दो चीज़ कितना सिमिलर है। अगर केएनएन का मॉडल है, मान लेते हैं उसमें डॉग है और कैट है, और एक नया नया एनिमल का लेके गए फोटो, और केएनएन को बोले कि मॉडल को बोले कि बताओ कि डॉग है या कैट है, क्लासीफाई करो, तो कैनन दोनों से सिमिलैरिटी चेक करेगा, कैट से वाले इमेज से और डॉग वाले इमेज से। और बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटी कि दोनों से कितना ज़्यादा, जिसका ज़्यादा सिमिलर होगा उसको उसमें क्लासीफाई हो जाएगा। तो अगर कैट वाले में ज़्यादा, तो अगर डॉग से ज़्यादा सिमिलर हुआ तो डॉग में क्लासीफाई हो जाएगा, नहीं तो कैट से क्लासीफाई हो जाएगा। अब देखते हैं, केएनएन एक लेजी लर्नर है और नॉन पैरामेट्रिक एल्गोरिदम है। लेजी लर्नर का क्या मतलब है? दो तरह के लर्नर होते हैं, एक होता है लेजी लर्नर, एक होता है ईगर। तो केएनएन जो है वो एक लेजी लर्नर क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम है। इसका मतलब हम मॉडल के बाद समझेंगे तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। और केएनएन एक नॉन पैरामेट्रिक एल्गोरिदम है। तो अब नॉन पैरामेट्रिक क्या होता है अगर ये समझना चाहें तो मॉडल दो तरह के होते हैं, एक होता है पैरामेट्रिक मैट्रिक और दूसरा होता है नॉन पैरामेट्रिक पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक मॉडल क्या होता है, जैसे कि अगर देखना चाहें तो पैरामेट्रिक मॉडल, पैरामेट्रिक मॉडल जो होता है उसमें हमें एफ ऑफ एक्स जो है वो पता रहता है। जैसे कि हो गया लीनियर रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन या फिर लॉजिस्टिक रिग्रेशन, इसमें क्या है हमें एफ ऑफ एक्स मतलब हमें ग्राफ पता रहता है। लीनियर रिग्रेशन का ग्राफ ऐसे हमेशा एक लीनियर लाइन ही होगा, स्ट्रेट लाइन, चाहे कुछ भी हो जाए, वो उसका स्लोप कुछ भी हो सकता है, उसका इंटरसेप्ट चेंज हो सकता है, लेकिन वो आएगा हमेशा एक स्ट्रेट लाइन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में जैसे है वो एक सिग्मोइड फंक्शन ही होगा, हमेशा 0 और 1 के बीच में हमेशा एक सिग्मोइड फंक्शन ही होगा। तो यहाँ पे हमें जो है पता है कि हमारा ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ ग्राफ नोन है। तो हो गया, ये हो गया एक हमारा पैरामेट्रिक मॉडल, पैरामेट्रिक केएनएन और एसबीएम जैसे जो मॉडल हैं इसमें हमें ग्राफ अननोन होता है, ग्राफ अननोन होता है, इसी वजह से हम इसे कहते हैं नॉन पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक। यही है नॉन पैरामेट्रिक का मतलब। तो सीधे सीधे अगर कहें तो अगर अगर सीधे सीधे कहें तो ग्राफ अगर
नोन है, यानी हमें एफ एफ एक्स पता है, तो ये पैरामेट्रिक हो गया। अगर अननोन है, एफ एफ एक्स या फिर ग्राफ नहीं पता है, तो ये हो गया नॉन पैरामेट्रिक। आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशंस देखते हैं अब। तो एप्लीकेशन जो है केएनएन का, वो है कि क्लासिफाई करना, जैसे कि अगर कोई एक पर्सन है तो वो लोन लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता है, तो अगर ये क्लासिफाई करना है बैंक को कि उसको लोन मिलना चाहिए, अप्रूव होना चाहिए, वो चुका पाएगा कि नहीं चुका पाएगा, बेस्ड ऑन द डेटा सेट, लोन देना चाहिए, शुड बी प्रोवाइडेड गिवेन नॉट प्रोवाइडेड नॉट गिवेन नॉट लोन शुड बी गिवेन और नॉट गिवेन। तो ये बैंक के एन एन का एल्गोरिदम का यूज कर सकती है यहाँ पे क्लासिफाई करने के लिए, बेस्ड ऑन द प्रीवियस डेटा सेट जो प्रेजेंट होंगे बैंक के पास, कि उसके अकाउंट में कितना बैलेंस है, जैसे इंडिया अगला वर्ल्ड कप जीतेगा कि एन नहीं जीतेगा, इस तरह का जो है क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं के एन एन के यूज मदद से। और इसका यूज हैंड रिटन डिटेक्शन, जैसे कि 0 1 इन सबको हैंड रिटन डिजिट रिकॉग्नाइजेशन, जैसे कि कह सकते हैं हैंड रिटन डिटेक्शन में होता है, इमेज डिटेक्शन में, वीडियो रिकॉग्निशन में भी इनका यूज होता है। एप्लीकेशन के बाद अब वर्किंग पे आ जाते हैं, मॉडल काम कैसे करता है। अगर हम वर्किंग पे ध्यान दें तो इसके वर्किंग में जो है आ जाता है, इसको वर्किंग को आसानी से समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट। जैसे कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि हमारे पास एक डेटा सेट है, ये जो डेटा सेट हमारे पास दिया हुआ है, हाइट इन सेंटीमीटर, हाइट इन केजी एंड टी शर्ट साइज। उसके बाद हमें प्रेडिक्ट करना है कि एक पर्सन जिसका हाइट 62 kg है, अगर इसका वेट दिया है 62 kg एंड हाइट 164, हाइट दिया है 164, तो हमें पता करना है कि एम साइज का टी शर्ट आएगा या एल साइज का। यहाँ पे साइज ऑफ द टी शर्ट पता करना है, एम आएगा या एल आएगा इस पर्सन को। तो ये है हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो इसके वर्किंग को समझने के लिए सबसे पहले हमें के नंबर ऑफ नेबर, के एन एन का मतलब होता है के एन एन में के का क्या मतलब है ये यहाँ देख लेते हैं। के का मतलब है, के का वैल्यू, के होता है इंटीजर, के जैसे कि अगर 2 कर दे तो 2 nearest neighbor, 2 nearest neighbor। जैसे कि अब ये डेटा सेट है, अगर हम इसको इसके ग्राफ को बनाएं तो इसका ग्राफ ऐसा आएगा हमारे पास स्कैटर प्लॉट में। ये वाला पॉइंट जैसे कि देख सकते हैं 158 और 58 यहाँ पे है, तो इसका ग्राफ हमारे पास ऐसा आएगा। और अब अगर इसी में देखना चाहें के का क्या मतलब है, 2 k का वैल्यू अगर 2 ले ले तो 2 nearest neighbor, अगर तो मॉडल क्या करेगा, 2 nearest neighbor को चेक करेगा। जनरली जो है के का वैल्यू, जनरली के का वैल्यू जो है 5 लिया जाता है। तो अब देखते हैं, अगर अगर किसी का वेट, किसी पर्सन का किसी पर्सन का अगर वेट 62 kg और हाइट 164 cm है, तो उसका जो है वेट 62 kg और हाइट, वेट है 62 kg यहाँ और हाइट 164, तो मतलब यहाँ पे कहीं पे होगा। अब हम के बराबर 5 ले लिए हैं, इसका मतलब है कि हम के बराबर जनरली 5 लिया जाता है और हम भी यहाँ पे 5 ही लेंगे। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 5 nearest neighbor, अगर ये जो डेटा पॉइंट है इसके 5 जो सबसे नज़दीकी डेटा पॉइंट्स हैं, नेबर हैं, उसमें जैसे कि पहले हो गया ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा, ये 5 जो है ये नियरेस्ट नेबर हो गया। यही है के का मतलब, के एक वैल्यू है जो कि बताता है कि कितने नियरेस्ट डेटा पॉइंट को हमें सेलेक्ट करना है, कितने डेटा पॉइंट को हमें लेना है, कितने नियरेस्ट नेबर को हमें लेना है। तो जैसे कि अब ये हो गया हमारे पास, पहला स्टेप तो यही था कि सिलेक्ट द नंबर ऑफ के
के नंबर्स ऑफ नेबर, उसके बाद हम आगे आ जाते हैं। उसके बाद दूसरा जो है स्टेप क्या करता है मॉडल, डिस्टेंस कैलकुलेट करता है बिटवीन द टेस्ट डेटा एंड ईच रो ऑफ ट्रेनिंग डेटा। इसका क्या मतलब है, टेस्ट डेटा जैसे कि यहाँ आ गया, अब ये डिस्टेंस जो है मॉडल, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, मॉडल एक्चुअली सारा डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा, जितना भी होगा डेटा पॉइंट ये सारा डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा। उसके बाद क्या करेगा मॉडल, सारा डिस्टेंस कैलकुलेट हो गया तो अब तीसरा स्टेप पे आ जाएगा मॉडल, और नाउ बेस्ड ऑन द डिस्टेंस वैल्यू सॉर्ट देम इन असेंडिंग ऑर्डर। अब हम यहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट कर चुके हैं सारा, अब हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे है 62 164, ये सारा डिस्टेंस कैलकुलेट कर चुके हैं, अब यहाँ पे ये सॉर्ट कर लेंगे हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये हमारा पहला 5 होगा ये सारा डिस्टेंस, लेकिन ये हो गया पहला, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। हम 5 ही चुने हैं कि इक्वल टू 5, अगर कि इक्वल टू 6 चुनते तो इसको भी लेते, या फिर जो सबसे नज़दीकी छठा होता यही है वैसे तो। तो यहाँ पे के इक्वल टू 5 है तो इसको सॉर्ट कर लेंगे हम इस सारे को। तो 5 जो है ये डिस्टेंस मान लेते हैं, ये है 1, ये मान लेते हैं ये है 1.5, ये 2 है, ये 4 मान लेते हैं और ये है 5। तो मॉडल क्या करेगा, सॉर्ट कर लेगा डिस्टेंस को, पूरा डिस्टेंस को सॉर्ट कर लिया, 1 1.5 2 4 5, और जैसे कि ये डिस्टेंस जैसे कि है 6, ये है 8, तो इसके आगे होगा 6, ये 8, ऐसे करके सॉर्ट करके असेंडिंग ऑर्डर में होगा। अभी मॉडल अभी इतना कर चुकी है, अब नेक्स्ट स्टेप में मॉडल स्टेप 4 में क्या करेगी, इट विल चूज द टॉप के रोज फ्रॉम द सॉर्टेड एरे। टॉप के रोज चुनेगी फ्रॉम द सॉर्टेड एरे से, सॉर्टेड एरे से टॉप के 5 रोज चुन लेगी, 1 2 3 4 और 5। तो अब हमारे पास आ गया 1 1.5 2 4 और 5 2 4 और 5, टॉप के 5 रोज आ गए हैं अब हमारे पास। अब नेक्स्ट स्टेप में मॉडल क्या करती है, स्टेप 5 में, इट विल असाइन ए क्लास टू द टेस्ट वर्ड बेस्ड ऑन द मोस्ट फ्रिक्वेंट क्लास ऑफ दिस रोज। अब इसमें फ्रीक्वेंसी चेक होगा कि पहले 1 जो है, 1 के डिस्टेंस पे जो है ये है ऑरेंज, 2 पे ऑरेंज है 1.5 के डिस्टेंस पे, 2 और 4 के डिस्टेंस पे सिर्फ ब्लू है, ब्लू मतलब M यहाँ पे, और बाकी बात जो है यहाँ पे नियरेस्ट 5 में सारे L है, ऑरेंज है। तो 2 और 5, ये हो गया 2 के डिस्टेंस पे, और 4 के डिस्टेंस पे ब्लू है, M है, 2 और 4। ये जो है ये M है, ये बाकी 3 L है। तो यहाँ पे मोस्ट फ्रीक्वेंट जो है, मोस्ट फ्रीक्वेंट या फिर मोड, मोड जो है इसका हो जाएगा L। तो इस तरह मॉडल क्लासिफाई कर देगा कि ये L जो मोड आया, जो भी मोड आएगा ऑफ द मॉडल, वही जो है उसी को हमारा मॉडल क्लासिफाई कर देगा। तो अगर एक व्यक्ति जिसका कि जैसे कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें हमारे पास दिया हुआ, जिसका अगर एक व्यक्ति है जिसका जिसका दिया है जैसे कि ये 62 kg वेट और हाइट 164, तो इसको हम निकाल चुके हैं कि L आएगा, L साइज आएगा। तो अब हम उसके मॉडल को देखेंगे कि इसका जो भी मॉडल है, अब इसका मॉडल को हम देख चुके कैसे काम करता है, एक बार सारा स्टेप को फिर से अगर देखना चाहें तो यहाँ देख सकते हैं। और अब हम चले जाते हैं इसके कोड पे, इसके इम्प्लीमेंटेशन पे आ जाते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, और उसके बाद हम आ जाएंगे कि इम्प्लीमेंट करने के बाद एक प्रोजेक्ट, एंड टू एंड प्रोजेक्ट के थ्रू हम इसका इम्प्लीमेंटेशन समझेंगे। अभी जैसे कि जो अभी हमने किया उसी को बस इम्प्लीमेंट करके एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, और ये डेटा है हमारे पास। तो अगर हम एक बार इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा समझ लें यहीं पे, तो कंप्यूटर पे जाने से पहले अगर एक बार देख लें, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इम्प्लीमेंटेशन में,
प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं, तो प्रॉब्लम तो हमारे पास है कि हमें यहाँ टी शर्ट का साइज पता करना है। अब हम हमारे पास डेटा सेट भी आ गया है, तो सबसे पहले हम करेंगे लोड करेंगे अपने डेटा सेट को, पी डी डॉट रीड सी एस बी से लोड हो जाएगा डेटा सेट। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमारे पास अब लोड हो गया डेटा सेट, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको एक्स और वाई में कैटेगराइज कर लेंगे। एक्स में एक्स जो है इनपुट, इनपुट जो वेरिएबल है, और ये है वाई आउटपुट वेरिएबल। तो इसको एक्स और वाई में हम लोग क्या करते हैं कैटेगराइज कर लेते हैं, और या फिर मतलब स्प्लिट कर लेते हैं एक्स और वाई में। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे कि मशीन लर्निंग मॉडल जो है ये एम ये लेटर को नहीं समझता है, एम और एल, एम और एल। तो हम क्या करेंगे इसके बाद, इसको एम वाले को जितना है इसको वाई बराबर वन कर जीरो कर देंगे, और एल बराबर को वाई बराबर वन कर देंगे। इसको बोलते हैं हम फीचर एनकोडिंग। इससे क्या हो जाएगा, हमारा वेरिएबल चेंज हो जाएगा वाई बराबर जीरो और वाई बराबर वन। तो अब जो है मशीन लर्निंग मॉडल हमारा आसानी से बता सकता है ये है हमारा एक्स यहाँ से यहाँ तक एक्स वेरिएबल, और ये है वाई। एक्स ये इंडिपेंडेंट फीचर है और वाई ये लेबल है जो हमें पता करना है। तो अब हमारे पास ये फीचर इनकोडिंग हो गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट लगाएंगे, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। इससे क्या करेंगे हम इस पूरे डेटा को ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा में कन्वर्ट कर लेंगे, ट्रेनिंग डेटा एंड टेस्टिंग डेटा। इससे क्या फ़ायदा होगा कि हम अगर 80% डेटा को, जनरली 80 या 75 जितना भी है परसेंट डेटा को ट्रेनिंग में लगाते हैं, और 20% टेस्ट करने के लिए कि जो हमारा रिजल्ट आ रहा है रिजल्ट वो कितना परसेंट एक्यूरेट है। तो मॉडल का एक्यूरेसी चेक करना रहता है बाद में हमें, तो हम इसीलिए मॉडल को कन्वर्ट कर देते हैं ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग फेज में। तो ये हो गया एक्स ट्रेन, यहाँ पे 20% डेटा को कन्वर्ट कर दिए हैं टेस्ट सेट में, बाकी बात जो 80% है वो डेटा वो ट्रेनिंग में है। अभी हम ये सारे का इम्प्लीमेंटेशन कोड के थ्रू देखेंगे। उसके बाद जो है जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये सब जो है हाइट, ये इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है वेट से। तो मॉडल क्या करता है जनरली कभी कभी हाइट को ज़्यादा प्रिफ्रेंस दे देता है, हाइट का प्रिफ्रेंस ज़्यादा दे देता है वेट से। तो इसके लिए हम क्या करते हैं मॉडल को यहाँ पे हम क्या करेंगे फीचर स्केलिंग करेंगे। ये बिफोर फीचर स्केलिंग देख सकते हैं ऐसा है, और आफ्टर फीचर स्केलिंग ऐसा। फीचर स्केलिंग के बाद क्या होता है, जनरली मॉडल जो है फीचर स्केलिंग स्टैंडर्डाइजेशन से कर सकते हैं, जेसन नॉर्मलाइजेशन। इससे क्या होता है मॉडल का वैल्यू जो है -3 या 3 के बीच में जनरली कन्वर्ट हो जाता है, जिस जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये -1 है, यहाँ पे 2 है, तो जनरली मॉडल कन्वर्ट हो जाएगा -3 से 3 के बीच के डेटा पॉइंट में। तो इससे क्या होगा मॉडल दोनों को इक्वली प्रिफरेंस देगी, और हमारा जो प्रिडिक्शन है वो एक्यूरेट होगा। प्रिडिक्शन एक्यूरेट करने के लिए ही बस यहाँ पे हम फीचर स्केलिंग करते हैं। तो अब हम देखते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन, आ जाते हैं अपने कंप्यूटर पे। तो अब हम कोड करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हम क्या करेंगे, आपको जो है सारा इंपोर्ट करेंगे सबसे पहले लाइब्रेरीज, लाइब्रेरी आपको जो है सारा फाइल अपना ये गिटहब में मिल जाएगा, सारा कोड फाइल और ये डेटा सेट आप साथ साथ कर सकते हैं। सबसे पहले नंपा इंपोर्ट करते हैं, इसका काम होता है न्यूमेरिकल पाइथन बोलते हैं, इंपोर्ट नंपा एज एनपी, इसका काम करते हैं कैलकुलेशन के लिए मेनली, कुछ कैलकुलेशन जो कंप्यूटेशन टास्क करना रहता है उसमें हम इसका यूज करते हैं। पांडास को क्या करते हैं डेटा एक्सप्लोर करने के लिए, डेटा क्लीन करने के लिए पांडास का यूज करते हैं। और फिर हम जैसे कि मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट है, इसका यूज करके हम क्या करते हैं प्लॉटिंग करते हैं, बस इसके नाम में ही दिया हुआ है सब कुछ, मैटप्लॉटलिब इन लाइन। इस लाइन से क्या होगा, मैटप्लॉटलिब इन लाइन से इससे क्या होगा कि ये जो फिगर बनेगा वो हमारे इसी नोटबुक में बनेगा,
ना कि कहीं बाहर। अगर आप इसको हटा देंगे तो फिगर जो है वो बस नाम लिख के आ जाएगा या फिर फिगर बाहर बनता है, इससे क्या होगा ये इसी में बनेगा। हम सीबोर्न भी इम्पोर्ट कर लेते हैं, सीबोर्न एक थोड़ा सा पाइपलॉट से अच्छा हो जाता है, मैटप्लॉटलिब से इम्पोर्ट हो गया पाइपलॉट, सारा लाइब्रेरी इम्पोर्ट हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेटा सेट को इम्पोर्ट करेंगे। इम्पोर्ट डेटा सेट आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, लिंक होगा। डेटा सेट df बराबर pd.read.csv करते हैं, और फिर जहाँ पे भी डेटा रखा हुआ होगा तो आप वहाँ पे जाएंगे, डेटा सेट आप जहाँ डाउनलोड करेंगे उस फाइल में, और फिर वहाँ जाके आप राइट क्लिक करके कॉपी एज पाथ यहाँ पे दिख रहा है जैसे कि कंट्रोल शिफ्ट सी, कॉपी एज पाथ कर लेंगे उसको। कॉपी एज पाथ करने के बाद यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे रीड सी एस बी के अंदर, डबल कोट्स अपने आप आ जाता है तो ये ध्यान देना है। और विंडोज चूंकि अलग यूज करता है, ये फॉरवर्ड स्लैश बैक स्लैश ये विंडोज और मैक में अलग अलग होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे हम एक आर लिख देते हैं तभी ये काम, बिना आर के जैसे रन कराते हैं तो यहाँ देखिए एक इरर आ जाता है। तो यहाँ पे हम ये डबल कोट से पहले एक आर डाल देते हैं, पैरेंथेसिस के बाद डबल कोट से पहले एक आर डाल देते हैं, और ये अब हमारा रन कर चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, डेटा को थोड़ा देख लेते हैं कि डेटा कैसा है। df.head लगाएंगे हेड, तो इससे हमें ऊपर के 5 रोज जो है, फर्स्ट 5 रोज, df.head क्या करता है फर्स्ट 5 रोज देता है, फर्स्ट 5 रोज आ गया हमारे पास, इससे पता चल जाता है कि हाइट है, कॉलम है, क्या क्या है। df.tail है इसी तरह, जो कि क्या करता है लास्ट 5 रोज देता है, लास्ट 5 रोज df.tail। और फिर df.shape से पता चल जाएगा हमें कि इसका नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है। यहाँ पे df.shape कर दिए, तो अब हम हमारे पास सब कुछ पता है कि हमारा है कितना डेटा पॉइंट। यहाँ पे हमारे पास 18 रोज है, 3 कॉलम है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इस डेटा सेट को कन्वर्ट कर लेते हैं एक्स और वाई में, ताकि हम इसको ट्रेन कर सकें। मॉडल ट्रेन करने के लिए हमें, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, एक्स में इन दोनों को कन्वर्ट करेंगे, और ये जो वाई है डिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हमें प्रेडिक्ट करना है, वाई इसको अलग कर लेंगे, और जो जिनसे प्रेडिक्ट करना है इन दोनों के हेल्प से इसको प्रेडिक्ट करना है, तो हाइट और वेट को अलग कर लेंगे। और जैसे कि हाइट df. यहाँ पे लगाएंगे, आई लॉग फंक्शन का यूज होगा, पांडास के आई लॉग फंक्शन का। पहले पहले रो आता है तो ये रो हो गया, रो सारा रो लेना है हमें, इसीलिए इसीलिए यहाँ पे कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं पास हुआ। ये पहला वाला जो है वो रो देता है, ये हमें सारा रो लेना है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सारा रो नहीं लेना है, पहला कॉल सारा कॉलम नहीं लेना है, पहला कॉलम लेना है, दूसरा कॉलम लेना है। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, जीरो से 2, तो क्या होगा ये पहला और दूसरा आ जाएगा। पर हम इसके बदले क्या कर सकते हैं, इसके बदले हम ऐसे भी कर सकते हैं, स्टार्ट ऐसे 2, इससे भी हो जाएगा क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट 0 से ही स्टार्ट होता है। अब हम क्या कर सकते, इसके बदले हम ये भी कर सकते हैं -1, तो -1 में करने से क्या होगा, एक सेकेंड थोड़ा प्रैक्टिकली करके देखते हैं वैल्यूज। तो यहाँ पे x.head जैसे प्रिंट करा रहे हैं, नंपाई हैज नो एट्रीब्यूट हेड, अच्छा तो नंपाई बन गया है। तो यहाँ पे जैसे देखिए आ गया 158, 58 पहले 2 रो। अब अगर यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, जैसे कि पहले मैंने कहा यहाँ 2 कर देते हैं, तो उससे भी आ जा रहा है हमारे पास। यहाँ -1 क्या करेगा, स्टार्ट होगा 0 से, 0 से स्टार्ट हुआ, चलेगा कहाँ तक, -1 तक, लेकिन -1 को इंक्लूड नहीं करेगा, तो यहीं पे -2 तक। रिवर्स में -1 से शुरू होता है, ये टी शर्ट साइज वाला -1 है, ये वेट वाला -2 है, हाइट वाला -3 है। तो यहाँ स्टार्ट हो रहा है 0 से, 0 जो है ये हाइट है, ये
वेट है, हाइट है और -3 है रिवर्स में अगर देखे तो। इसका 2 है, 0 और -3। वेट का है 1 और -2। टी शर्ट का है 3 और -1। तो यहाँ 0 से चला और ये गया -1 तक, लेकिन -1 को लास्ट वाले टी शर्ट को ये इंक्लूड नहीं करता है, यही इसका मतलब होता है। और डॉट वैल्यूज से क्या होता है, ये एक नंपा एरे में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि हम सारा जो भी लगाते हैं मॉडल वो सब नंपाई पे लगाते हैं, इसीलिए इसको नंपाई में कन्वर्ट करते हैं डॉट वैल्यू से। डॉट वैल्यू नंपाई में कन्वर्ट कर देता है। वाई बराबर हम कर देंगे df डॉट आई लॉग। यहाँ पे भी हमें सारा ही रो चाहिए, तो रो सारा आ गया, स्टार्ट से एंड तक चला गया। इसमें बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं लिख रहे हैं, तो अब कॉलम रो के बाद अब कॉलम की बारी आई। कॉलम में क्या चाहिए, हमें सिर्फ -1 चाहिए, तो -1 लिख दी। अब इसको भी कन्वर्ट कर देंगे डॉट वैल्यूज। इससे क्या हो जाएगा, टी शर्ट साइज वाला आ गया, डॉट वैल्यूज डाल दिए, इससे ये नंपाई में कन्वर्ट हो गया। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं नेम वाई। अच्छा, इसको रन भी करना पड़ेगा, तो यहाँ आ गया पूरा, देख सकते हैं डेटा टाइप ऑब्जेक्ट वाई आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब जैसे कि अभी हमारा वाई जो है वो MMML ऐसे है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें यहाँ पे कन्वर्ट करना होगा इसको, क्योंकि जो हमारा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है वो सिर्फ नंबर में समझता है, नंबर समझता है वो एम और एल नहीं समझता है, तो इसीलिए हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं 0 और 1 में। तो जैसे कि इसको अब जैसे हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं 0 और 1 में, तो कन्वर्टिंग M to 0 एंड L to 1। M को 0 में हम कन्वर्ट कर देते हैं, L को 1 में। तो यहाँ पे Y बराबर, Y को ही चेंज कर रहे हैं हम, Y NP डॉट एरे। y को क्या किस में कन्वर्ट करना है हमें, np डॉट एरे 0 में। y बराबर 0 होगा अगर इफ, यहाँ पे कंडीशन है, इफ i इक्वल इक्वल टू m, else ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, else 1 में। अगर m बरा i बराबर, अब यहाँ पे i, यहाँ पे अभी हम देखेंगे 4 i in y। तो ये कॉम्प्रिहेंशन का तरीका है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। इसको हम अगर चाहें तो 3 स्टेप में भी कर सकते हैं, पर ये एक डायरेक्ट है। तो ये कैसे काम करता है, y इक्वल टू नंपाई डॉट एरे, y इक्वल टू जैसे बराबर हो जाएगा 0 के अगर, ये कंडीशन है यहाँ पे, इफ i बराबर m तो y इक्वल टू 0, नहीं तो एल्स 1, 4 i in y। तो y में जो पहला i है वो है m, दूसरा i है वो है m, तो ऐसे ये कन्वर्ट करेगा। अब जैसे इसको रन कराते हैं, 4 i in Y, यहाँ कैपिटल वाई होगा, तो ये देखिए 0 और 1 में कन्वर्ट हो गया। तो ये ऐसे ही काम करता है। अब आगे आ जाते हैं, अब हम क्या करेंगे, इसको हमारा जो डेटा सेट है उसको स्प्लिट करेंगे ट्रेन टेस्ट में, ट्रेनिंग में और टेस्टिंग में, स्प्लिटिंग द डेटा सेट इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्ट सेट। ट्रेनिंग और टेस्ट सेट में स्प्लिट करने के लिए हम एक मॉडल का यूज करने हैं, एसकेलर्न मॉडल, एसकेलर्न मॉडल। और इसमें एसकेलर्न डॉट मॉडल सेलेक्शन में हमारे पास रहता है, वहां से हम इंपोर्ट करेंगे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट क्या करता है, डेटा को स्प्लिट कर देता है, जैसे कि पहले मैंने बताया था 80-20% में, या फिर जितना में भी करना चाहें हम, स्प्लिट हो जाएगा हमारा डेटा। तो यहाँ पे जो आर्गुमेंट आता है वो है एक्स ट्रेन, पहले ये एक्स ट्रेन देता है, फिर एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट।
अब यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट जो है हमारे पास है यहाँ पहले से ही, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। अब यहाँ पे इसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट होगा वो होगा एक्स वाई, इसको स्प्लिट करना है हमें। एक्स को स्प्लिट कर देगा ये एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट में, फिर ये वाई को स्प्लिट कर देगा वाई ट्रेन और वाई टेस्ट में। उसके बाद हम यहाँ पे टेस्ट साइज या फिर ट्रेन साइज नाम का एक आर्गुमेंट देते हैं, जिससे कि पता चले कि कितना जो है टेस्ट में डाटा भेजना है, कितना ट्रेन में रहने देना है। तो हमारे पास यहाँ पे बहुत कम डेटा है, तो हम यहाँ पे 10% ही रहने देते हैं, 10% के लिए 0.1 डाल देते हैं। और यहाँ एक और वेरिएबल डालते हैं रैंडम स्टेट, इसका क्या मतलब है। अब जैसे कि ये ट्रेन टेस्ट स्प्लिट अलग अलग कंप्यूटर पे लैपटॉप पे चलेगा जब, तो ये अलग अलग रैंडम स्टेट वो अपने आप जनरेट कर लेता है। अगर हम नहीं देंगे तो वो कुछ भी रैंडम स्टेट वैल्यू लेके रैंडमली ये एलोकेट होता है, कोई भी 10% डेटा टेस्ट से चला जाएगा रैंडमली एक्स वाई से। तो यहाँ पे रैंडम स्टेट 0 अगर दे देते हैं, तो अगर हम दूसरे कंप्यूटर में भी चलाते हैं तो भी हमारे पास सेम डेटा आएगा, ताकि हमारा डेटा अलग अलग कंप्यूटर लैपटॉप पे वेरी ना करे और इसे अलग अलग रिजल्ट नहीं आ जाए, इसीलिए हम ये करते हैं। तो अगर अब जैसे कि एक्स ट्रेन है हमारे पास, इसमें हमारे पास ये डेटा है, एक्स टेस्ट में हमारे पास आ गया होगा डेटा, ये सब एरे में रहता है क्योंकि मॉडल जो है एरे में ही चलेगा। एक्स टेस्ट में 2 डेटा है, 10% डेटा हमारा टेस्टिंग में चला गया, बाकी बाद हमारा सारा डेटा जो है ट्रेनिंग में है। आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि हाइट जो है पहला वेरिएबल वो बहुत ज्यादा है, उसका वेटेज वैल्यू वेट से। तो हमारा मॉडल जैसे कि मैंने पहले ही बताया फीचर स्केलिंग करते हैं यहाँ पे, क्योंकि मॉडल ज्यादा प्रिफरेंस देने लग जाता है हाइट को, तो फीचर स्केलिंग करते हैं। फीचर स्केलिंग, अब यहाँ पे फीचर स्केलिंग हम कैसे करेंगे, सबसे पहले स्केलर से हम एक मॉडल इंपोर्ट कर देते हैं, प्री प्रोसेसिंग में ये रहता है। ये सबको याद करने का जरूरत नहीं है, जब जब आपको जरूरत पड़े तो आप यहाँ पे सर्च करके निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड स्केलर रहता है, एस साथ कैपिटल रहता है, देखते हैं आगे। तो अब क्या करेंगे, स्टैंडर्ड स्केलर आ गया हमारे पास, अब इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे एस सी। एस सी बराबर यहाँ पे हम स्टैंडर्ड स्केलर का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो इससे क्या हो गया, एस सी का एक ऑब्जेक्ट बन गया। कैन नॉट इम्पोर्ट स्टैंडर्ड स्कॉलर फ्रॉम प्री प्रोसेसिंग, कहीं गलत हो गया है हमारा, प्री पी आर ई पी आर ओ सी ई एस एस आई एन जी फ्रॉम एस के लर्न डॉट प्री एस सी ए एल ई आर, सब तो सही लग रहा है। फ्रॉम एस के एल ई ए आर डॉट पी आर ई पी आर ओ सी डबल एस आई एन जी इम्पोर्ट स्टैंडर्ड होगा, यहाँ पे स्टैंडर्ड लिखा गया था, स्टैंडर्ड स्केलर। अब यहाँ सब सही है, जैसे कि अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट में हमें करना है कन्वर्ट, एक्स अंडरस्कोर ट्रेन एससी डॉट। तो हम जो है ट्रेनिंग डेटा को ही सिर्फ जो है एक्स वाले डेटा को ही सिर्फ यहाँ पे फिट करेंगे, क्योंकि वाई में तो हमारे पास 0 और 1 ही है, तो उसके ऊपर काम करने का कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे सिर्फ एक्स वाले। यहाँ पे फिट और ट्रांसफॉर्म का क्या मतलब है, इसको भी थोड़ा समझ लेंगे। ट्रांसफॉर्म स्पेलिंग मिला लो, एक्स अंडरस्कोर ट्रेन ट्रेनिंग पे लगा दिए। अभी जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसमें फिट, फिट क्या करता है, सबसे पहले ये स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो जो प्रोसीजर मैंने बताया था पहले उसको अपनाता है, और उसके बाद उसको ट्रांसफॉर्म करता है, उसको लगाता है। पहले ये कैलकुलेट करता है फिट से, और फिर उस कैलकुलेशन को करने के बाद ये जो है मॉडल पे ट्रांसफॉर्म करता है, जो एक्स ट्रेन है हमारा उसको ट्रांसफॉर्म करेगा। इसी तरह हम एक्स टेस्ट पे भी लगाएंगे,
इसमें जो है एक्स टेस्ट पे जो है हमें बस ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत होती है, क्योंकि हमारा मॉडल पहले ही फिट कर चुका है यहाँ पे, तो हम उसी जो फिट है उसी को यूज करते हैं ट्रांसफॉर्म पे भी। हमें यहाँ पे अलग से अगर फिट करेंगे तो अलग से इन दोनों डेटा को लेंगे, ये अलग हो जाएगा, एवरेज और जो है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। जो फिट यहाँ पे किया हुआ है, जो यहाँ कैलकुलेशन किया हुआ है ट्रेनिंग में, उसी कैलकुलेशन को यूज करके बस यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, तो इसको रन कर देंगे। फीचर स्केलिंग हो चुका है अब हमारा। अब फीचर स्केलिंग के बाद क्या आ जाता है, हम फीचर स्केल कर चुके हैं, अब हम बस लगा देंगे अपना मॉडल। तो हम यहाँ पे ट्रेन करते हैं मॉडल, लेट्स ट्रेन द मॉडल, ट्रेनिंग ट्रेनिंग द केएनएन मॉडल, केएनएन मॉडल। तो केएनएन मॉडल जो है हमारा रहता है स्केलर में ही, सारे मॉडल तो स्केलर में ही है। फ्रॉम स्केलर्न लर्न डॉट नेबर्स, ये एक नेबर वाला है, तो नेबर्स देखा, जैसे कि ये हमारे पास खुला हुआ है sklearn डॉट नेबर knn के नेबर क्लासीफायर। जब जब आपको कोई दिक्कत हो तो यहाँ पे आप डायरेक्ट sklearn का डॉक्यूमेंटेशन आप देख सकते हैं, के नेबर क्लासीफायर। यहाँ पे आता है एन नेबर, मतलब नंबर ऑफ नेबर जैसे बता चुके हैं, तो पहले चलिए लिख लेते हैं sklearn डॉट नेबर्स, इम्पोर्ट करना है हमें के नेबर क्लासीफायर को, KNIGHBO CLASLIFIER के नेबर क्लासीफायर। अब यहाँ पे क्लासीफायर का हम एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे, जैसे पहले ही बना रहे थे CLASLIFIER क्लासीफायर। अब यहाँ पे इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे के नेबर क्लासीफायर का, और इस ऑब्जेक्ट में जैसे कि हम पहले देख चुके हैं एन नेबर, कितना नंबर ऑफ नेबर देना चाहते हैं वो रहता है, तो यहाँ हम 5 दे चुके हैं, और अभी देखते हैं ऐसे फिलहाल के लिए इसी को फिट करके, क्लासीफायर को हम फिट करते हैं अब अपने डेटा पॉइंट पे। डॉट फिट एक्स अंडरस्कोर ट्रेन कॉमा वाई अंडरस्कोर ट्रेन, ट्रेन। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉडल ट्रेन हो जाएगा हमारा, के नेबर क्लासीफायर आगे रिजल्ट। तो अब मॉडल को इवेलुएट करते हैं कि मॉडल हमारा कैसा काम कर रहा है, इवेलुएशन। तो इवेल्यूएशन के लिए sklearn के पास होता है मैट्रिक्स, इवेल्यूएशन मैट्रिक्स बोलते हैं, लर्न डॉट मैट्रिक्स MATRICS, इम्पोर्ट करते हैं हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जो है, और हमारे पास बहुत सारे हैं, एक्यूरेसी स्कोर इवेल्यूएशन मैट्रिक्स जो है, एक्यूरेसी स्कोर है हमारे पास फिर, तो इससे हम पता कर लेते हैं कि हमारा जो है कैसा मॉडल है। क्लासीफायर नाम दिया है हमने, इसमें प्रेडिक्ट करते हैं एक्स टेस्ट को, तो अभी हमें पता चलेगा कि कैसा है हमारा मॉडल, और हम एक कंफ्यूजन मैट्रिक्स भी बनाएंगे। तो इसका जो वेरिएबल है वो है वाई टेस्ट, जो हमारे पास टेस्ट सेट है पहले से यहाँ पे, जिसको हमने टेस्टिंग के लिए ही सिर्फ बनाया है, इवेल्युएशन के लिए ही। और ये जो मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है वाई प्रेड, जो मॉडल से हमें पता चला है, ये मॉडल को फिट किया है अभी, तो डिस्टेंस कैलकुलेट जो प्रोसेस मैंने बताया था मॉडल ने सारा किया है, फिर क्लासिफाई किया, तो वही वाई प्रेड यहाँ पे जो कर रहे हैं वो यही बताएगा। एक्स टेस्ट पे चला रहे हैं क्योंकि हमें टेस्टिंग करना है अभी, वाई टेस्ट और वाई प्रेड दोनों अगर सेम होगा, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स प्रिंट होगा और यहाँ पे एक्यूरेसी स्कोर वाई टेस्ट लेंगे और वाई प्रेड लेंगे, एक्यूरेसी स्कोर तो 1 आ गया,
क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बहुत कम डेटा है, तो यहाँ हमारे पास ये नहीं आएगा, हमारे पास बस दो ही डेटा था, तो यहाँ पे बन नहीं पा रहा है, एक्यूरेसी बन आ रहा है क्योंकि हमारे पास बहुत कम डेटा है और मॉडल ओवरफिट कर जा रहा है, बस 18 ही है हमारे पास, तो मैंने इसलिए छोटा मॉडल लिया था ताकि हमें सही से समझ में आए। तो ये है पूरा स्केलर का प्रोसीजर, इवेल्युएशन यहाँ करते हैं, एक्यूरेसी स्कोर बताता है, यहाँ पे 1 का मतलब है 100%, 0 का मतलब है 0%, तो हमारा पास हमारे मॉडल बहुत छोटा है इसलिए हमारा जो है 100% फिट हो गया है। अगर आपको कहीं भी कुछ भी नहीं समझ में आया है, तो अगर कहीं भी कोई दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं आप, और मैं आपके कमेंट का उत्तर तुरंत ही दूंगा आंसर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज लाइक कमेंट शेयर।